अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज जो है आपको मेरे चैनल पे FIE असिस्टेंट डायरेक्टर का 2019 का पेपर मिलेगा, बैच 2 का। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर अपना। ये है, ही हैज़ द रेपुटेशन डैश गुड टीचर। तो रेपुटेशन ऑफ गुड टीचर आता है। उसके बाद है, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इज़ इन्वेस्टेड डैश मैजिस्ट्रियल पावर्स। इन्वेस्टेड विद, इन्वेस्ट के साथ विद आएगा। उसके बाद है, ही इज़ ब्लाइंड डैश वन आई, तो ब्लाइंड इन वन आई होगा। उसके बाद है, आई हैव बिन सर्विंग इन गोमल यूनिवर्सिटी डैश 15 ईयर्स, तो फॉर 15 ईयर्स है। अगर इसके अलावा जो है यहाँ पे कोई डेट वगैरह होती तो फिर हम जो है उसको कर देते सिंस। द चिल्ड्रन वर एंट्रस्टेड डैश केयर ऑफ देयर अंकल। एंट्रस्टेड के साथ बीत आएगा। तो ये बड़े इजी से यहाँ पे प्रपोजिशन दिए हैं इस पेपर में। डार्कनेस वॉज द कॉज ऑफ लूजिंग हिज वे। आई एम नॉट कंसर्न डैश हिज अफेयर्स कंसर्न विथ। शी वॉन्डर्ड वेदर इट डैश बी ट्रू। शी वॉन्डर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू। ही कंप्लेन्स डैश कंप्लेन्स ऑफ हेडेक। वी आर राइटिंग स्कूल असाइनमेंट डैश ब्लैक इंक असाइनमेंट इन ब्लैक इंक। उसके बाद है, शी हैज़ टू चिल्ड्रन डैश हर हस्बैंड चिल्ड्रन फ्रॉम हर हस्बैंड। डैश सेल फोन्स डू नॉट कॉज कैंसर। अब यहाँ पे जो है ना आर्टिकल्स दिए हुए थे कि यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। तो यहाँ पे सेल फोन्स के साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन था। यू कैन कंपेयर माई कॉपी डैश ओरिजिनल। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉपी टू ओरिजिनल। उसके बाद है, दे हैव अ डिस्प्यूट डैश मनी डिस्प्यूट ओवर। तो डिस्प्यूट जहाँ भी आएगा डिस्प्यूट के साथ आपने ओवर यूज़ करना है। वी शुड कंप्लाई डैश द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर वर्ड्स शुड बी कंसिस्टेंट डैश आवर एक्शंस कंसिस्टेंट विद आवर एक्शंस। दे लिव अबाउट डैश फ्रॉम हेयर लिव अबाउट एन आवर्स ड्राइव। She couldn't dash a mustache to the photo of his headmaster in the newspaper. Resist adding. उसके बाद है, either my husband or my brother will volunteer dash time for the project. His time for the project. He has the good reputation. ये वही first वाला दोबारा repeat हो गया। उसके बाद आएगा, why do you object to dash? He will be an asset to the company. Him being taken on. तो यहाँ पे हमारे जो हैं तकरीबन इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो एंड हो गए हैं। अब हम अपने जो हैं आगे जीके के और करंट अफेयर्स वगैरह के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो हाउ मेनी प्रोविंसेस इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर ना टोटल हैं प्रोविंस तो 28 हैं, लेकिन जो उसकी स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरीज़ को मिला के टोटल वो 36 बनती हैं। तो 8 जो हैं इसकी यूनियन टेरिटरीज़ हो गई हैं और 28 जो हैं वो स्टेट्स। इस तरह जो हैं इंडिया के 36 सूबे हैं। उसके बाद इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी अकॉर्डिंग टू हिंदू कास्ट सिस्टम इज़। तो ऑप्शंस में था कि शूदर है, वेश है या घंची। तो घंची जो है ना वो इसकी कास्ट है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी जो है ना वो बेसिकली इंडिया का 14th प्राइम मिनिस्टर है और हमारे यहाँ तो 23rd चल रहा है कि 23rd के 4th चल रहे हैं। हालांकि दोनों जो हैं वो 7 आज़ाद हुई थी जो दोनों ममालिक हैं। और हमारे यहाँ माशाल्लाह भी काफ़ी अर्सा रहा, इसके बावजूद इतने प्राइम मिनिस्टर हमारे चेंज हुए। तो इस पे जो है ना जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी, वो कहता था कि इतनी तो मैं धोतियाँ चेंज नहीं करता हूँ, धोतियाँ नहीं बदलता हूँ जितने पाकिस्तान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बदलता है। तो खैर, अभी नरेंद्र मोदी 14th PM हैं और दूसरी टर्म है उसकी नरेंद्र मोदी की। और ये पहले CM रह चुका है 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात का। नेक्स्ट चलते हैं, हु करंटली हेड्स इंडियन हेल्ड कश्मीर एज चीफ मिनिस्टर। तो इंडियन हेल्ड कश्मीर मतलब जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूज़ा कश्मीर है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर इस वक्त कौन है? तो वहाँ पे जो है ना इस वक्त कोई भी नहीं है जो चीफ मिनिस्टर है। वो जो पोस्ट है ना वो वेकेंट है। वेकेंट कब से है? जब से वहाँ पे लॉकडाउन लगाया ना 5 अगस्त से। अच्छा, वहाँ पे पहले आया गवर्नर का रूल कुछ अरसा, एक साल तक तकरीबन वो चला, और फिर जो है वहाँ पे आ गया प्रेसिडेंट रूल। तो
अभी जो है वहाँ पे ये प्रेसिडेंट रूल ही चल रहा है और कोई भी सीएम उन्होंने वहाँ पे नहीं लगाया। और जो लास्ट सीएम था ना वहाँ का, वो महबूबा मुफ्ती थी, तो अभी उसका नाम आपने नहीं टिक कर देना है। हु वॉज पाकिस्तान आर्मी चीफ एट द टाइम ऑफ 1965 वॉर, तो 1965 की जंग के दौरान जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन सा है? तो मतलब हमें जो है ना आर्मी चीफ्स के अयूब खान हो गया, यहिया खान, इस तरह के नाम ही याद हैं, लेकिन बीच में कुछ गुमनाम नाम ऐसे भी हैं जिनका हम बहुत कम जो है जिक्र करते हैं, ये नहीं पता है। तो 1965 की जो जंग है तब जो है ना मोहम्मद मूसा, जनरल मोहम्मद मूसा जो है वो थे आर्मी चीफ। तो ये जो है ना हालांकि कितने 8 साल 1958 से लेके 1966 तक ये आर्मी चीफ रहे हैं पाकिस्तान के, और उससे पहले मतलब 58 से पहले अयूब खान था। अयूब खान जब प्रेसिडेंट बना तो अयूब खान ने फिर अपना ओहदा किसको दे दिया? जनरल मोहम्मद मूसा को आर्मी चीफ बना दिया। तो ये जो है ना मोहम्मद मूसा, जनरल मोहम्मद मूसा जो है ये बेसिकली इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेंड थे, क्योंकि तब तक जो है पाकिस्तान नहीं बना था। तो ये तीन लोग थे बड़े करीबी, एक ये जनरल मोहम्मद मूसा जो पाकिस्तान आर्मी चीफ लगे, और एक जो है जो इंडिया का आर्मी चीफ लगा, और एक जो बर्मा का आर्मी चीफ लगा। तो तीनों ने इकट्ठी फर्स्ट IMA से जो है वो ट्रेनिंग की। वैसे ही जो मोहम्मद मूसा है ना ये पहले सोल्जर थे, 1926 में वो भर्ती हुए और फिर सेकंड लेफ्टिनेंट हुए 32 में, और उसके बाद जो है 32 में मतलब जो है इन्होंने ट्रेनिंग की वहाँ पे IMA में, और फिर जो है ये पाकिस्तान के बाद जाहिर है पाकिस्तान आ गए तो यहाँ के आर्मी चीफ तैनात हो गए। अच्छा एक तो हो गया, अब अयूब खान इनसे पहले थे 58 तक, तो 58 के बाद ये आ गए 66 तक। 66 से फिर आगे जो है 71 तक यहिया खान रहे, और 71 से 72 तक गुल हसन खान, और 72 से 76 तक टिक्का खान। तो ये जो है ना एक MCQ से हमने बहुत सारी जो हैं वो चीज़ें देख ली हैं, क्योंकि आजकल FPSC का कोई पता नहीं है वो किस तरह के MCQs दे देता है। मैन द फर्स्ट एडल्ट बेस्ड इलेक्शंस हेल्ड इन पाकिस्तान, तो 1970 के अंदर हुए थे, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन इसे कहा जाता है, जो कि भुट्टो और मुजीब के दरमियान समझ लेके हुए थे, जिसमें मुजीबुर रहमान ने जो है वो भारी एक्सपीरियंस से कामयाबी हासिल की थी। मंगला डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर जेलम इज़ टू हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ लोकेटेड इन, तो मंगला डैम जो है ना वो जेहलम पे जेहलम रिवर पे जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। एक MCQ तो ये हो गया, दूसरा किसकी हेल्प से बना है? वर्ल्ड बैंक की हेल्प से बना है। और तीसरा जो है ना वो पूछते हैं कि अब ये जो है ना मंगला डैम है कहाँ, तो ये है कश्मीर, मतलब गिवन ऑप्शन कश्मीर है, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो मीरपुर बनता है। तो 1965 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था मंगला डैम। ऑपरेशन रद्दुल फसाद स्टार्टेड अंडर चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा के दौर में जो है ये स्टार्ट हुआ, और KPK में और बलूचिस्तान में जो है ये चला था। इंडियन इलेक्शंस 2019 आर गोइंग टू बी हेल्ड, ये बैट गलत लिखा गया, गोइंग टू बी हेल्ड इन, अब ये पेपर जो है ना उनके इलेक्शन होने से पहले का था, तो इसलिए यहाँ पे आर गोइंग टू का वर्ड है। वैसे जो 2019 के इलेक्शन है ना उनके अप्रैल 2019 में हुए थे, और मतलब 5 साल का टेन्योर, और जैसे मैंने भी बताया ना ऊपर नरेंद्र मोदी का, कि वो 2001 से 2014 तक क्या थे? CM गुजरात थे, और 14 से 19 तक वो बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर 19 से ऑनवर्ड फिर वो दोबारा से क्या बन गए? प्राइम मिनिस्टर, मतलब उनका दूसरा टेन्योर है। अच्छा जी उसके बाद आ गया व्हेन इंटरनेशनल पीस डे इज़ सेलिब्रेटेड, 21 सितंबर को मनाया जाता है, और ये स्टार्ट हुआ था 1981 से। तो बेसिकली जो है ना जिस तरह UNGA का जो है वो इजलास होता है, तो उसमें ये होता है कि जो सितंबर का जो होता है ना थर्ड वीक, उसमें वो करते हैं, और इसी तरह ये था, लेकिन इसको बाद में उन्होंने एक डेट दे दी एग्जैक्ट 21 सितंबर की। इन इंडियन हिस्ट्री इंडियन मुस्लिम्स माइग्रेटेड टू अफगानिस्तान इन 1920 में, जो है माइग्रेट किया था इंडिया से अफ़गानिस्तान, इसको जो है क्या कहा जाता है? हिजरत मूवमेंट कहा जाता है। तो हिजरत मूवमेंट जो है ना वो इस तरह हुई कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सॉरी अब्दुल कलाम नहीं है ये अबुल कलाम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
और अब्दुल मजीद सिंधी साहब और भी इस तरह के काफ़ी सारे जो है ना वो मौलाना हजरात थे, जिन्होंने कहा कि जो इंडिया है ना वो दारुल हरब है। दारुल हरब का मतलब है जंग का जो है ना वो घर है। तो आप लोगों को दारुल अमन की तरफ जो है वो हिजरत कर जानी चाहिए, जो कि उस वक्त अफ़गानिस्तान को उन्होंने डिक्लेयर किया। तो फिर बहुत सारे लोग जो है यहाँ से अपने मालो असबाब बेचे उन्होंने और अफ़गानिस्तान जो है वो रवाना हो गए। तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान में स्टार्ट के कुछ चंद 100 या 1,000 लोगों को तो उन्होंने एंट्री दी, लेकिन जब उन्होंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं तो उन्होंने अपने गेट बंद कर लिए। और जनाब इस तरह फिर जो लोग भी अपना सब कुछ बेच के गए हुए थे उनको वापस आना पड़ा। ये हिजरत मोमेंट थी। लॉन्ग साइटेड पर्सन इज़ करेक्टेड इन द लेंस, कन्वेक्स लेंस से जो है ना वो ठीक होती है, ये जो लॉन्ग साइडेड होती है। जो कन्वेक्स लेंस होता है ना वो दरमियान से मोटा होता है और साइड से बारीक होता है। और अगर कनकेव की बात करेंगे तो वो इसके ऑपोजिट हो जाएगा, कि वो दरमियान से बारीक हो जाएगा और साइड से मोटा, और जो है वो ये मतलब बईद नज़र के लिए है, तो वो करीब नज़र के लिए यूज़ होगा। अच्छा जी, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ये है फंक्शन ऑफ बॉडी की है फिजियोलॉजी वो स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एड्स वे टू स्प्रेड इज़, मतलब एड्स किस तरह फैलता है। तो जो गिवन ऑप्शन थे उसमें सेक्सुअली जो है वाला जो करेक्ट ऑप्शन था, सेक्सुअली जो है वो एड फैलता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, विच यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान फर्स्ट। तो बड़ा आसान सा और बहुत बार हज़ारों बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ड्वाइट डी आइजनहोवर जो है उन्होंने विजिट किया था पाकिस्तान को, कब किया था, 1959 में किया था, 7 से 9 दिसंबर को। तो कराची आए थे ये आइजनहोवर साहब, और इसके अलावा बेसिकली इसका साउथ एशिया का विजिट था। तो कराची, अफगानिस्तान, इंडिया, ये तमाम ममालिक जो है ना इन्होंने विजिट किए थे। तो अभी तक जो है ना वैसे टोटल कितने, 4 के 5, पाँच, हाँ पांच प्रेसिडेंट जो है ना उन्होंने विजिट किया है पाकिस्तान को। तो सबसे पहले तो आइजन हुअर हो गए। तो दूसरे नंबर पे हैं लेंडन बी जॉनसन, वो 1967 में आए थे अयूब खान के दौर में। तीसरे नंबर पे आए रिचर्ड निक्सन, जो कि वाटर गेट स्कैंडल लास्ट पेपर में मैंने जिनका बताया था कि उन्होंने रिज़ाइन किया था, तो रिचर्ड निक्सन जो है वो भी पाकिस्तान आए थे। वो आए थे 1969 में, तो वो अपना लाहौर आए थे यहिया खान से के दौर में आए थे। और चौथे नंबर पे बिल क्लिंटन आया 2000 में, सन 2000 में इस्लामाबाद। तो उस वक्त जो है रफ़ीक तारड़ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, और मुशर्रफ जो है ना वो क्या बोलते हैं उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो दोनों से मुलाकात की थी उसने। और लास्ट जो है वो जो है ना जॉर्ज बुश, तो वो 2006 में आया था। तो टोटल जो है ना ये आपके 5 हो गए हैं प्रेसिडेंट जिन्होंने पाकिस्तान को विज़िट किया है अभी तक, और इसके अलावा अभी तक किसी ने विज़िट नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। तो निकोलस कोपरनिकस जो है वो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कहलाए जाते हैं। यूएस प्रेसिडेंट हैज़ सेट डेड लाइन फॉर यूएस फोर्सेस विदड्रॉ, ये विदड्रॉ इकट्ठा लिखना था, फ्रॉम अफगानिस्तान। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये डिक्लेयर किया था कि जनाब बहुत हो गया, हमारी जो है ना वो बहुत फोर्स जो है ज़ाया हो रही है यहाँ पे, तो हम जो है ना वो 30 अगस्त से पहले पहले विदड्रॉ करते हैं अपनी फोर्सेस का अफगानिस्तान से। तो इस सिलसिले में ना 20 फरवरी 2020, मतलब फरवरी को अग्रीमेंट हुआ एक, उसको कहा जाता है दोहा अग्रीमेंट, कतर में हुआ था। तो उस अग्रीमेंट के थ्रू जो है ना फिर इन्होंने 30 अगस्त से पहले पहले अपनी फ़ौजें निकाल लेनी थी, तो 30 अगस्त से पहले ही उन्होंने तालिबान ने आके ऑक्यूपाई कर लिया था। तो 15 अगस्त 2021 जो है तालिबान ने ऑक्यूपाई किया था। क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम नोबल प्राइज़ आर विद, कौन सी कंट्री है जिसने मैक्सिमम जीते हैं, यूएसए ने। यूएसए के पास जो है ना वो 400 नोबल प्राइज़ हैं। और दूसरे नंबर पे आता है यूके, उस पर 137 हैं। तीसरे नंबर पे आता है जर्मनी, उस पर 111 नोबल प्राइज़ हैं। फिर फ्रांस है जिसके पास 71 हैं, और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो माशाल्लाह से हमारे पास 2 नोबल प्राइज़ हैं, एक अब्दुल सलाम को मिला था और दूसरा मलाला यूसुफजई को। पाकिस्तान इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ मेगा डैम ऑन, उस वक्त मतलब स्टार्ट किया उसने दिया मीर भाषा, जो कि मेरा ख्याल 2028 में जाके कंप्लीट होगा, अभी तो इनिशियल स्टेजेस पे ही समझ ले कि ये है। तो ये जो है ना बेसिकली इंडस रिवर पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, और केपीके और जीबी दोनों के अंदर ये आता है, मतलब केपीके का जो कोहिस्तान का इलाका है वहाँ पे,
और जो जीबी है उसका दिया मीर, जिसके नाम से ये है, तो वहाँ पे आता है। अच्छा जी, उसके बाद है सुपरसोनिक मिसाइल्स आर बिल्ट बाय, तो ये काम रशिया ने किया है अभी तक, सुपरसोनिक मिसाइल वाला। व्हाट इज़ नेम ऑफ अमीर कतर? शेख तमीम बिन हमाद अल सानी जो है इस वक्त अमीर है कतर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चेन ऑफ हिल्स इज़ लोकेटेड इन सिंध? तो सिंध के अंदर जो है ना वो कीर्थर माउंटेन रेंजेस हैं, और सिर्फ सिंध में नहीं है ये, साथ बलूचिस्तान में भी इसका कुछ एरिया आता है। और उसके बाद जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है ना उसका नाम है जरदक। लियाकत अली खान वाज अ मिनिस्टर इन, तो ऑप्शन थे नेहरू कैबिनेट में, गांधी कैबिनेट में या पटेल कैबिनेट में। तो बेसिकली जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट थी ना जो, उसमें लियाकत अली खान साहब बने थे फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर। तो ये नेहरू कैबिनेट इसलिए इसको कह दिया हमने क्योंकि नेहरू जो है ना वो समझ लें कि मेन हेड था, मेन हेड तो नहीं वो तो लॉर्ड था कोई, और उसके बाद जो है गालबन पीएम की जो पोस्ट है वो इसके पास, नेहरू के पास थी। और उसके बाद जो है पहले तो इन्होंने जो मुस्लिम जो क्या बोलते हैं माइनॉरिटी लगा लें उस वक्त, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो कांग्रेस से ही उन लोगों ने दे दी थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने जब रोला किया तो फिर उन्होंने ये आई चुंदरीगर को और इसको लियाकत अली खान को और अब्दुल रब निश्तर जो हैं इन लोगों को फिर कुछ मिनिस्ट्रीज़ वगैरह दी थी, तो तब लियाकत अली खान साहब को मिली थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद है यूके एंड यूएसए आर सेपरेटेड बाय, तो यूएसए और यूके के दरमियान में तो एक ही चीज़ है और समंदर है, वो समंदर का नाम है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन वैसे सेकेंड लार्जेस्ट है और पहले नंबर पर पैसिफिक है। कांग्रेस इन 1937 इस्टेब्लिश्ड मिनिस्ट्रीज़ इन कितने सूबों में बनाई थी? 7 सूबों में, ये 5 गलती से लिखा गया है, बेसिकली 7 सूबों में उन्होंने बनाई थी और एक सूबा फिर बाद में उन्हें मिल गया था तो 8 हो गए थे। एक जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी ने जीत ली थी, 9 हो गए, और 2 सूबे भी और इसी तरह जो है ना मुस्लिम लीग को बेसिकली कोई भी सूबा नहीं मिला जहाँ पर मुस्लिम लीग की जो मेजॉरिटी हो। तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है ना वो 707 सीटें जीती और 1500 कुछ सीटों में से ये बता रहा हूँ मैं, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने 109, मतलब कि देखो बहुत कम है, और यूनियनिस्ट पार्टी जो कि पंजाब में जो है ना उस वक्त बड़ी एक्टिव थी तो उसने 101, मतलब यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग समझ लो कि बराबर बराबर ही थी, कि 6 सीटों का सिर्फ फ़र्क था। इन दिल्ली प्रपोजल कायदे आज़म फोर गो सेपरेट इलेक्टोरेट, फोर गो मतलब छोड़ दिया उन्होंने, हालांकि 1916 में जो है जब इन्हें हिंदू मुस्लिम सफ़ीर का टाइटल मिला था मिसा के लखनऊ में, तो तब इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को मंजूर करवा लिया था कि अच्छा मंजूर करवाया। और अब जो है दिल्ली प्रपोजल ये कब हुआ था? 20 मार्च 1927 को। तो इसमें आके जो है ना उसने कहा कि आप जो है ना हमें क्या करें, हमारी सीट्स रिज़र्व करें और सेपरेट इलेक्टोरेट से हम दस्तबरदार होते हैं, कायदे आज़म साहब ने ये कहा। तो ये बस दिल्ली प्रपोजल में हुआ और उसके अलावा कहीं हमने नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ा। अयूब खान इलेक्शन संबल वाज, तो 1965 में जब इसने इलेक्शन लड़े थे अयूब खान ने, तो इनके मुकाबले में थी मोहतरमा फातमा जिना, तो इनका रोज़ था यानी कि फूल और मोहतरमा फातमा जिना का था चिराग, तो लालटेन थी गालबन, चिराग या लालटेन कोई, बहरहाल वो एक क्या बोलते हैं नारा जो है वो बड़ा मशहूर हुआ था, फूलों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, मतलब ये जो फातिमा जिना की जो पार्टी है उसने ये नारा मारा था, तो चिराग का नारा था गालबन लेकिन लालटेन थी वो। अच्छा जी, उसके बाद है देवसाई पार्क इज़ लोकेटेड इन, ये जीबी में है मतलब बल्तिस्तान के अंदर है, इसका मतलब है शैडो ऑफ जाइंट। पाकिस्तान डे इज़ ऑब्जर्व ऑन, तो पाकिस्तान डे जो है ना इसको आपने 14 अगस्त नहीं समझ लेना है, वो इंडिपेंडेंस डे है। पाकिस्तान डे मनाया जाता है 23 मार्च को, तो 23 मार्च 1940 को जो है ना वो लाहौर में मिंटो पार्क में एक करारदाद पेश हुई थी जिसे करारदाद लाहौर का नाम दिया, और जो इंडिया के अखबार थे ना उन्होंने मजाक बनाया उसका कि ये तो करारदाद पाकिस्तान है, तो इस तरह उसका नाम ही करारदाद पाकिस्तान पड़ गया। तो 1940 से फिर ऑनवर्ड 7 साल का जो है उसके बाद भी सफ़र किया हमने और फिर आके पाकिस्तान हमें एक अलग मुमलिकत के तौर पे मिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डेसिमल सिस्टम वाज इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान इन 1962। ये भी मैंने गलत यहाँ पे लिख दिया है, 1961 है बेसिकली ये। तो 1961 में डेसिमल सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, करेंसी सिस्टम जो था फर्स्ट जन 1961। उसके बाद है शिमला अग्रीमेंट वाज साइंड इन, शिमला अग्रीमेंट जो है वो हुआ 1972 के अंदर साइन। कहाँ पे हुआ? शिमला में हुआ, जो हिमाचल प्रदेश में है, 2 जुलाई 1972 को। तो हमारी तरफ से जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब गए थे, और इंडिया की जो पीएम है उस वक्त इंदिरा गांधी थी, तो इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा तय पाया। तो काफ़ी सारी बातें इसके अंदर हुई थी, जिसमें से एक मेन जो था ना वो ये था कि हमारे जो कोई भी मसाइल है ना, ख़ास तौर पे कश्मीर इशू के, वो हम बायलैटरल तौर पे उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन आपने देखा कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को क्या किया इन्होंने, इन्होंने उसको ज़बरदस्ती जो है अनेक्स कर लिया अपने साथ, जो कि शिमला अग्रीमेंट की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी टाइम्स हज़रत अयूब पीस बी अपॉन हिम, ये गलत लिख दिया मैंने, पीस बी अपॉन हिम आप सल्लम के साथ आता है, यहाँ पे होना चाहिए था अलैहि सलाम, ए एस होना चाहिए था। मेंशन इन द होली कुरान 4 टाइम जो है ना ये मेंशन हुआ है। हाउ मेनी स्टेजेस आर इन द होली कुरान, तो 7 मंजिल हैं कुरान की। उसके बाद है, हाउ ओल्ड वाज हज़रत यूसुफ़ अलैहि सलाम एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन टू इजिप्ट, तो जब मिसर को जो उन्होंने हिजरत की तो उनकी उम्र कितनी थी? आलमोस्ट 13 ईयर्स थी। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो वालिद साहब हैं उनका नाम था याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। तो बेसिकली एक रिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ क्या रिश्ता है। तो ये इनके परदादा हुए, जो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम है वो दादा हो गए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम परदादा हो गए। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है ना, इनका नाम कुरान पाक में आया है कितनी बार? 27 बार आया है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो वालदा है उनका नाम राचेल था, बीवी का नाम जुलैखा था, और इनकी जो कब्र है वो पैलेस्टीन यानी कि फ़लस्तीन में है। और 5 साल तक जो है ना ये जेल में रहे थे, और जब कुएं में इनको इनके भाइयों ने फेंका तो 3 दिन तक कुएं में जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेसिक सोर्सेज आर ऑफ फिका, 4 जो है ना वो बेसिक हैं, जिसमें कुरान है, सुन्नत है, इजमा है और इज्तिहाद है। तो इसके अलावा भी हैं काफ़ी सारे, इज्तिहाद के बाद भी आ जाते हैं, जैसे कि इस्तेहसान आ जाता है, और अभी जहन में कोई नहीं आ रहा, इस तरह के मतलब काफ़ी सारे हैं, लेकिन बेसिक जो हैं वो 4 ही हैं। व्हाट इज़ कॉल्ड द 7 टाइम्स वॉक अराउंड द काबा, 7 बार जो तवाफ़ करते हैं, घूमते हैं काबे के गिर्द, उसे हम तवाफ़ कहते हैं। और 2 और क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सही क्या होता है? सही का लफ्ज़ी मानी होता है कोशिश करना, तो सफ़ा और मरवा के दौरान जो दौड़ते हैं ना उसको कहते हैं सही करना। और एक क्वेश्चन आता है रमी का, रमी क्या होता है? जमरात पे जो कंकरियाँ फेंकते हैं उसको रमी कहते हैं। तो ये 3 टर्म्स जो है ना वो आपने जहन में रखनी है। हाउ मेनी मुस्लिम्स डिड पार्टिसिपेट इन द बैटल बद्र, तो 313 जो हैं मुसलमान थे जो शामिल हुए, जिसमें से 14 शहीद हो गए थे, 6 मुहाजिर और 8 अंसार। और दूसरी तरफ जो है वो 1000 जो है वो कुफार थे, जिसमें से 70 जो हैं वो मारे गए थे। ग़ज़वे बदर को यौमुल फुरकान भी कहा जाता है। हु वॉज द फर्स्ट कन्वर्टेड इन इस्लाम अमंग वमेन, हज़रत खदीजा अलैहिस्सलाम बिला शुबा, क्योंकि आप सल्लम जब ग़ारे हिरा से वापस आए तो सबसे पहले अपनी वाइफ को यानी कि खदीजा को बताया, और वो फिर अपने कज़न के पास ले गई वरका बिन नौफल के पास, और आगे भी जो भी कहानी है वो आपको पता है। एट द एज ऑफ 25 ईयर्स द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वेंट इन द बिजनेस ट्रिप टू सीरिया, गए थे 25 साल की उम्र में। हज़रत उमर वॉज बोर्न इन, तो 583 AD में हुए थे पैदा, और 644 तक आप सल्लम सॉरी 644 तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डेथ हो गई थी। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया था, वो तो 616 AD के अंदर उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, ये चीज़ याद रखनी है। द 6 ऑथेंटिक बुक्स ऑफ अहादीस आर कॉल्ड सिहा सित्ता, तो इसमें आ जाती है एक तो सही हैन आ जाती हैं, जिसमें मुस्लिम, बुखारी और निसाई, इब्न माजा और कौन सी हैं, निसाई होगी, इब्न माजा होगी, सही हैन होगी,
और अभी दो मेरे जहन में नहीं आ रही हैं। बहरहाल ये छः हैं टोटल सिहा सिता। द अप्रोक्सीमेशन इन विच ओरिजिनल लेंथ इज़ वेरी स्मेल स्मॉल एज कम्पेयर टू फाइनल स्टेट लेंथ इज़ इलास्टिक अप्रोक्सीमेशन कहलाती है। द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ फॉर ऑडिबल साउंड इज़ 1.7 सेंटीमीटर। अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओहम। इट इज़ कट इन टू टू पार्ट्स एंड बोथ द हाफ्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। द न्यू रेजिस्टेंस इज़ R/2 होगी। बाय विच प्रोसेस बोथ साल्ट एंड वाटर विल बी रिकवर्ड फ्रॉम कॉमन साल्ट सोल्यूशन। डिस्टिलेशन के जरिए जो है अलग हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स द ड्रम ऑफ ए फोटो स्टेट मशीन इज़ मेड अप ऑफ। तो एलुमिनियम, बैरियम और सेलिनियम आपको ऑप्शन था, तो सेलिनियम जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन हाउ मेनी नेशनल एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन जो ज़मनी इलेक्शन समझ लें जो होता है ना, वर हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2018। तो वो थी 35 सीटें थी जहाँ पे दोबारा से इलेक्शन हुए थे। मतलब वैसे तो 25 जुलाई को हुए थे ना इलेक्शन, तो जो सीटें रह गई थी फिर उन पे 15 अक्टूबर को हुए थे दो। अच्छा, हाउ मेनी वुमेन कैंडिडेट्स मेड इट टू द नेशनल असेंबली थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शंस 2018। 8 जो खवातीन है ना वो डायरेक्ट इलेक्ट हो गई थी। बेसिकली 60 सीटें होती हैं उनकी जो रिजर्व होती हैं, तो रिजर्व सीटें तो आनी है। 8 सीटें ये हो गई, कितनी हो गई, 68 और एक माइनॉरिटी की, तो टोटल जो है वो 69 हो गई हैं। और जो डायरेक्ट आई हैं वो 8 आई थी 2018 में। अब 23 का अभी तक हुआ नहीं इलेक्शन, तो देखेंगे कितनी आती हैं। व्हाट वाज द वोटर टर्न आउट इन जनरल इलेक्शन 2018। तो इसमें था 51.7 और इससे पहले गालबन 55 पॉइंट समथिंग था, 55.8 या 7 था या 6 था, यानी कि 2013 में। द रेंज ऑफ मिज़ाइल हतफ, ये हाल्फ लिखा गया, ये हतफ है बेसिकली। हतफ 7 इज़ 350 से 700 किलोमीटर तक जो है वो हतफ 7 मार करता है। अच्छा, अभी जो है ना हमने देखना है कि 2021 के चूँकि करंट अफेयर आते हैं, तो 11 फेब 2021 को बाबुर 1A मिज़ाइल जो है वो लॉन्च हुआ, जिसकी रेंज है 450 किलोमीटर। और 21 दिसंबर 2021 को हुआ 1B। ऊपर वाला 1A है जो फेब में हुआ है, दूसरा है 1B जो कि हुआ है दिसंबर में, दोनों 2021 में, और इसकी रेंज है 900 किलोमीटर। तो इन दोनों में से मे बी कोई आ जाए। हु इज़ द करंट एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड ऑस्टेरिटी। डॉक्टर इशरत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट फेडरल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम डिवीजन। मुसद्दिक मसूद मलिक साहब हैं। इब्ने खुलदून बिलोंग्स टू, तुनिसिया से इनका ताल्लुक है बेसिकली। और इनकी एक मशहूर किताब है जो अक्सर पूछी जाती है, उसका नाम है मुकदमा, तो वो अक्सर आ जाती है। अच्छा जी, विच प्लैनेट इज़ स्मॉलेस्ट इन डायामीटर। तो मरकरी जो है वो स्मॉलेस्ट है डायामीटर के लिहाज से, और जो जुपिटर है वो डायामीटर के लिहाज से बिगेस्ट या लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टा इज़ एन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बेसिकली जो लार्जेस्ट आर्टरी है ना हमारी बॉडी के अंदर, तो जो ब्लड लेकर जाती है हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम में, उसको हम कहते हैं आर्टा। हिस्टोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स की स्टडी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। बेस्ट सोर्स ऑफ पोटाशियम इज़, जो गिवन ऑप्शन थे उसमें पोटैटो था। लैक्टिक एसिड इज़ इन, तो ऑरेंज, बनाना, मिल्क या कर्ड, किस में होगा, तो लैक्टिक एसिड होगा कर्ड के अंदर। ठीक है, वैसे जो लैक्टोज का नाम कहीं भी आएगा ना तो वो दूध से जो है वो मिली जुली चीज़ होगी, जिस तरह वो पूछा जाता है ना कि दूध की जो दूध को प्योरिटी मापने के लिए कौन सा आला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो लैक्टोमीटर होता है। तो इस टाइम ये वही लैक्टिक एसिड है, लेकिन एसिड है इसलिए कर्ड बना देगा, दही बना देगा, योगर्ट। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 में, जोसेफ प्रीस्ले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। डिस्कवर का मतलब वो पहले से मौजूद थी, सिर्फ उसको डिस्कवर किया, इन्वेंट नहीं किया। आवर आइज इन इज सेंसिटिव टू, कौन से कलर से सेंसिटिव होती है, जो येलो ग्रीन होता है बेसिकली ना, जो येलो लाइट ही लगा लें चलो, तो उससे सेंसिटिव होती है हमारी आइज़। आगे जो है आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आ गए हैं,
ये इंशाल्लाह मैं जैसे सॉल्व करके इसका लिंक जो है वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे मैंने सबके जो हैं वो ऑप्शंस तो करेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। और एक वीडियो भी तक मैंने जो है ना वो मैथमेटिक्स पे मतलब पास पेपर से बनाई है, वैसे अलजबरे के ऊपर और इसके अलावा परसेंटेज के ऊपर ये दो वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। तो बाकी भी मतलब कुछ हैं जो मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊँगा जिन पर टॉपिक वाइज, तो वो भी आपके लिए लाजमी हैं क्योंकि मोस्टली जो है ना क्वेश्चन वहीं से, वो जो 8-10 मैंने बताई थी ना क्राइटेरिया फील्ड मैथ का, वहीं से आ जाते हैं। तो वहीं से कर लेंगे तो इंशाल्लाह मैथ में से 20 में से 18-19 मार्क्स तो लाजमी आ जाएंगे, बाकी एक आधा तो गलत हो ही जाता है। तो ये आपका पेपर आज कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी के जो बैचेज़ हैं उनके पेपर भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, और जो नहीं किए वो भी मैं कर दूंगा साथ ही। तो वो देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में भी शायद मैं लिंक डाल दूं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।